नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ओन चैनल। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स और बाद में कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनके ऊपर नेक्स्ट वीक आप सबकी नजर यहाँ पे बनी रहनी चाहिए। तो चलिए जल्दी से हम इस वीडियो को यहीं पे शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को अभी से यहाँ पे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली हम आपके साथ ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पे शेयर करते रहते हैं। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को हम यहीं पे शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम लास्ट वीक के मार्केट परफॉर्मेंस को यहाँ पे चेकआउट करें तो यहाँ पे निफ्टी हमें 2.35% की अपसाइड के साथ यहाँ पे क्लोज होता हुआ दिखाई देगा, जबकि सेंसेक्स को हम 1.91% और बैंक निफ्टी में हम अराउंड 2.75% का एक जंप यहाँ पे देख सकते हैं। ब्रॉडर इंडाइसेस में यहाँ पे नेस्ट 50 और मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 100 में हम अराउंड 4.78% का एक जंप को देख सकते हैं, जबकि मिड कैप यहाँ पे इसे आउट परफॉर्म करता हुआ हमें दिखाई देता है। मिड कैप यहाँ पे अराउंड 5.23% के रैली के साथ यहाँ पे क्लोज हुआ है, जबकि हम स्मॉल कैप को अराउंड 3.81% के रैली के साथ यहाँ पे क्लोज होता हुआ देख सकते हैं। अगर यहाँ पे सेक्टोरल इंडाइसिस को देखा जाए तो यहाँ पे हमें आईटी, ऑटो और मेटल सेक्टर यहाँ पे आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई देते हैं। सबसे ज्यादा हम मेटल सेक्टर को अराउंड 8.3% यहाँ पे ग्रो होता हुआ देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आईटी सेक्टर को यहाँ पे लास्ट वीक 6.98% के मार्जिन से यहाँ पे ग्रो होता हुआ देखा जा सकता है। और ऑटो सेक्टर में फिर से डिमांड फिर से लौटने की वजह से हम अराउंड 5.06% का एक इम्प्रूवमेंट यहाँ पे देख सकते हैं। और दूसरे सेक्टर्स में यहाँ पे रियल्टी यहाँ पे एक मेंशनेबल सेक्टर है, क्योंकि यहाँ पे अराउंड 3.5% का एक जंप यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। फार्मा में हम अराउंड 2% का एक जंप को देख सकते हैं, जबकि मीडिया सेगमेंट में हमें अराउंड 0.8% का एक जंप यहाँ पे दिखाई देता है। इसके बाद अगर कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की ओर अगर हम यहाँ पे चेकआउट करते हैं तो सबसे पहला स्टॉक आपको वेदांतों को यहाँ पे अपने ध्यान में रखना है। यहाँ पे कंपनी ने फिर से अपना एक ओपन ऑफर मार्केट में लॉन्च किया है, जिसमें कंपनी अराउंड 37.32 करोड़ शेयर्स यानी कि अराउंड अपने जो टोटल शेयर्स हैं उनमें से अराउंड 10% स्टेक यहाँ पे मार्केट में खरीदने वाली है। और इसके लिए यहाँ पे 160 पर शेयर का यहाँ पे प्राइस सेट किया गया है। और ये प्राइस करंट मार्केट प्राइस अराउंड 12% नीचे होने की वजह से मंडे को स्टॉक में थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर आपको यहाँ पे दिखाई दे सकती है। अगला न्यूज है TCS की ओर से। रिसेंटली कंपनी ने अपना Q3 रिजल्ट यहाँ पे अनाउंस किया हुआ है, जिसमें कंपनी ने अपना एक डिविडेंड भी डिक्लेयर किया हुआ है और इसका रिकॉर्ड डेट यहाँ पे जनवरी 16 के करीब यहाँ पे सेट किया गया है, और इसका पे आउट डेट आपको नेक्स्ट मंथ फेब्रुअरी 13 को यहाँ पे थर्ड को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद अगर हम टाटा स्टील के बारे में बात करें तो यहाँ पे इसके Q3 में क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें इसके प्रोडक्शन में अराउंड 2.9% का एक जंप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे दिखाई देता है। 0.2% का एक जंप हम यहाँ पे ईयर ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख सकते हैं, जबकि ईयर ऑन ईयर इसमें अराउंड 2.9% का एक जंप यहाँ पे हमें दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे डिलीवरी में हम अराउंड 7.7% का एक फॉल यहाँ पे देख सकते हैं, और ईयर ऑन ईयर इसमें अराउंड 3.9% का एक फॉल यहाँ पे हमें दिखाई देता है। तो अभी स्टॉक में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि स्टॉक यहाँ पे 700 के लेवल्स पे काफी ज्यादा हमें ओवरबॉट यहाँ पे दिखाई देता है। तो जिन लोगों के पास ये स्टॉक पहले से है वो अपना प्रॉफिट बुकिंग इसमें इनिशिएट करें, क्योंकि यहाँ पे अभी प्रॉफिट बुकिंग का एक बेहतरीन मौका आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अगर हम बात करते हैं PVR के बारे में तो यहाँ पे लास्ट क्वार्टर में इसमें जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट था वो काफी हद तक बढ़ चुका है, जो कि लास्ट टाइम यहाँ पे Q2 के एंड में अराउंड 34.6% पे देखा गया था, वो इस बार हमें Q3 के बाद अराउंड 38.5% पे यहाँ पे दिखाई देता है। तो इसके वजह से स्टॉक में ये रैली आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे जब यहाँ पे वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पे सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स का जो ऑक्यूपेंसी है उसे भी यहाँ पे गवर्नमेंट बढ़ाने के बारे में सोच सकती है, और उसके बाद यहाँ पे फिर से आपको स्टॉक में एक प्रॉपर रैली आपको यहाँ पे दिखाई दे सकता है। अगला न्यूज हम देख सकते हैं वो है HDFC बैंक के बारे में। यहाँ पे ICICI प्रूडेंशियल लाइफ ने अपना जो स्टेक था कंपनी में अराउंड 1.23% का उसे यहाँ पे Q3 में यहाँ पे बेच दिया है, क्योंकि इस बार इसका जो स्टेक है वो 1% से कम होने की वजह से हमें इसके बारे में कोई अपडेट यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन जिन लोगों के पास इसका स्टॉक है वो लोग इसे अभी भी यहाँ पे होल्ड करना यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं।
क्योंकि अभी भी इसमें थोड़ा सा और आपको अपसाइड अगले कुछ दिनों के अंदर यहाँ पे दिखाई दे सकता है। अगला न्यूज है मिश्र धातु के बारे में। यहाँ पे HDFC म्यूचुअल फंड यानी HDFC AMC ने अपना जो स्टेक है उसे 7.1% से बढ़ाते हुए 9.13% तक यहाँ पे पहुंचाया है, जिसके वजह से स्टॉक में आपको मंडे को थोड़ी सी अपसाइड यहाँ पे दिखाई दे सकती है। और अगला न्यूज है InfoEdge यानी Naukri.com की ओर से। यहाँ पे लास्ट वीक एक न्यूज दिखाई दिया था कि इस साल यानी 2021 में हमें Zomato का जो IPO है वो लॉन्च होता हुआ दिखाई दे सकता है, और कंपनी का Zomato में अराउंड 20% का स्टेक होने की वजह से स्टॉक में हमें लास्ट वीक अराउंड 19.3% का एक जंप यहाँ पे देखने को मिला था। लेकिन इसके बाद अभी इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग इनिशिएट हो चुका है, तो अगर फिर से मार्केट यहाँ पे कोई ब्रेकआउट देता है तो इसमें आपको एक पोजिशनल ट्रेड लेने का यहाँ पे एक मौका यहाँ पे दिखाई दे सकता है। अगला न्यूज हम देख सकते हैं वह है अल्काइल एमाइन के बारे में, और ये स्टॉक हमें पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे अराउंड 24% का एक अपसाइड यहाँ पे देता हुआ दिखाई दे रहा है। लास्ट वीक स्टॉक में अराउंड ऐसा एक जंप देखा गया है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने अपना जो स्टॉक स्प्लिट है उसके बारे में एक अनाउंसमेंट जारी किया है, जो कि हमें नेक्स्ट मंथ February 2nd को यहाँ पे फिर से डिक्लेयर होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे सकता है। लास्ट वीक के रैली के बाद स्टॉक में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, लेकिन जो लोग यहाँ पे जनवरी के एंड तक स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं उन्हें यहाँ पे फिर से एक न्यू 52 वीक हाई यहाँ पे दिखाई दे सकता है, और यहाँ पे 5000 का जो लेवल है स्टॉक काफी आसानी से अगले कुछ ही ट्रेडिंग सेशन में आपको ब्रीच करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे सकता है। अगला न्यूज है IDFC बैंक के बारे में। यहाँ पे बैंक का जो टोटल डिपॉजिट्स है उसमें अराउंड रिटेल डिपॉजिट में एक 100% का अपसाइड आने की वजह से यहाँ पे बैंक के शेयर में हमें पिछले कुछ टाइम में इतना बड़ा रैली यहाँ पे दिखाई दिया है। अभी इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आनी है, और अगर इसमें आपको कभी भी यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की एक चांस दिखाई दे तो आप इसमें काफ़ी कम क्वांटिटी में इसमें अपना पोजिशनल ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ऐसे बहुत सारे प्राइवेट बैंक के स्टॉक्स अवेलेबल हैं जिन पे आपको इससे भी अच्छा रिस्क फ्री रिटर्न आपको दिखाई दे सकता है। तो इस बैंक में इन्वेस्ट करने से पहले आप उन सब प्रीमियम बैंक्स में यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखें। और फाइनली हम देख सकते हैं अपकमिंग कुछ Q3 रिजल्ट्स को, क्योंकि यहाँ पे हमें 13 से लेकर 15 जनवरी के बीच यहाँ पे इन्फोसिस, विप्रो और HCL टेक्नोलॉजीज का जो Q3 क्वार्टरली रिजल्ट है वो डिक्लेयर होता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे TCS के बम्पर रिजल्ट के बाद इन्फोसिस के रिजल्ट में भी हमें इसके रेवेन्यू में अराउंड 3% का एक ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दिखाई दे सकता है, जबकि इसका जो करेंसी कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ है उसमें भी हमें अराउंड 3.3% से लेके 3.4% का एक ग्रोथ यहाँ पे होने का एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है। और इसका जो स्टॉक प्राइस है वो भी आपको यहाँ पे अपने नए 52 वीक हाई लेवल्स पे यहाँ पे ट्रेड होते हुए दिखाई दे सकते हैं। और अगर हम विप्रो के बारे में बात करें तो इसका जो बायबैक प्रोग्राम था वो यहाँ पे आपको कल यहाँ पे एंड होता हुआ दिखाई देगा। तो जिन लोगों ने इस बायबैक प्रोग्राम में अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया और वो सोच रहे थे कि इसमें पार्टिसिपेट करें, उन्हें यहाँ पे ओपन मार्केट में यानी सेकेंडरी मार्केट में ही उससे ज़्यादा प्राइस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यानी कि बायबैक का जो प्राइस था वो था 400 का, और यहाँ पे स्टॉक अराउंड 428 के करीब यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर उन्हें प्रॉफिट बुकिंग ही करनी है तो वहाँ पे वो मार्केट में स्टॉक को बेच के यहाँ पे ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। और अगर हम कंसिडर करते हैं HCL टेक्नोलॉजीज को, तो यहाँ पे इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो आपको 15th of January यहाँ पे अनाउंस होता हुआ यहाँ पे हमें दिखाई दे सकता है। और इसका जो रेवेन्यू है उसमें हमें अराउंड 2.7% का एक जंप यहाँ पे होने की उम्मीद की जा रही है, और इसके कॉन्स्टेंट करेंसी में अराउंड 3% का एक जंप यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा सकता है, और वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो इस वजह से इसका स्टॉक आपको फिर से 1000 के लेवल्स के ऊपर यहाँ पे ट्रेड होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इन सब स्टॉक्स को आप अपने नजर में यहाँ पे जरूर बना के रखिए, क्योंकि इन सभी स्टॉक्स में आपको नेक्स्ट वीक एक सिग्निफिकेंट यहाँ पे वोलेटिलिटी यहाँ पे दिखाई दे सकती है। और इन केस अगर आप अपने लिए एक मॉडल पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहें, और वो भी हमारी टीम की मदद से, और मेरे पोटेंशियल मल्टीबैगर्स और स्विंग ट्रेड्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, तो नीचे इस टेलीग्राम लिंक पे जाके आप इस प्रीमियम सर्विस के बारे में पता कर सकते हैं, क्योंकि
अभी हमारा चैनल का जो सब्सक्रिप्शन प्लान है वो आप सबके लिए अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो इन सर्विस का फायदा आप जाके आगे उठा सकते हैं। और इसके बाद अगर हम निफ्टी के यहाँ पे आउटलुक को यहाँ पे चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे आपको यहाँ पे डे ऑन डे इसमें एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट जैसी सिचुएशन यहाँ पे दिखाई देती है। यहाँ पे हम पिछले 7 ट्रेडिंग सेशन में इसमें एक स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड को देख सकते हैं और अभी भी ये अपने हाईएस्ट लेवल के काफी करीब यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, जिसके वजह से अगर आपको नियर टर्म में 14,100 के ऊपर अगर इसमें क्लोजिंग दिखाई दे तो आप इसमें कोई भी शॉर्ट पोजीशन लेने से आप अवॉइड कर सकते हैं। और इवन आपको यहाँ पे सुपर ट्रेंड में भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड यहाँ पे अभी भी दिखाई देता है, जिस वजह से आगे नेक्स्ट वीक भी आपको इसमें एक फर्दर अपसाइड स्टॉक में इंडेक्स में यहाँ पे आपको दिखाई दे सकती है। तो अगला जो रेजिस्टेंस है वो आपको 14,500 के करीब यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और अगर हम कंसिडर करें यहाँ पे मिड कैप 50 को तो यहाँ पे आपको एक न्यू ब्रेकआउट जैसी सिनेरियो हमें यहाँ पे दिखाई देती है। एक स्टेडी बुल ट्रेंड के बाद हम इसमें एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट को देख सकते हैं और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ये अराउंड 5% ऊपर आने की वजह से यहाँ पे आपको एक फर्दर अपसाइड यहाँ पे अगले कुछ दिनों के अंदर इसमें देखने को मिल सकता है। तो आप मिड कैप स्टॉक्स के ऊपर भी अपना नजर यहाँ पे बनाए रख सकते हैं, जिनमें आपको अभी भी एक बुलिश ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिले। और अगर आपको ऐसे ही हमारी ओर से रियल टाइम अपडेट्स पाना है तो नीचे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिखाई देगा, जिसे आप नीचे जाके यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक है t.me/stockprotips। और फाइनली अगर हम यहाँ पे ऑप्शन चेन डेटा से निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यहाँ पे तलाश करें तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा 14,300 के ऊपर हम यहाँ पे 16,81,000 पुट कॉन्ट्रैक्ट्स को यहाँ पे ऐड होता हुआ देख सकते हैं। तो ये लेवल हमारे लिए मंडे को एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल की तरह यहाँ पे काम कर सकता है। और इसके नीचे हम 14,200 के लेवल्स पे अराउंड 21,47,925 पुट कॉन्ट्रैक्ट्स को यहाँ पे फिर से ऐड होता हुआ देख सकते हैं। और इस लेवल पे हमें सबसे ज्यादा 37,12,000 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप यहाँ पे दिखाई देता है। नीचे यहाँ पे 14,000 के ऊपर एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें अभी के लिए दिखाई दे रहा है, तो इसका टूटना हमें नेक्स्ट वीक काफी मुश्किल यहाँ पे अभी के लिए देखने को मिल सकता है। तो अभी के लिए आप 14,100 को यहाँ पे क्लोजिंग के बेसिस पे एक सपोर्ट की तरह कंसिडर कर सकते हैं और 14,000 पे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको नीचे के साइड इस हफ्ते के लिए देखने को मिल सकता है। कॉल साइड पे हमारे लिए 400 का टूटना काफी आसान हमें आगे दिखाई दे सकता है, क्योंकि हम 14,200 और 14,300 के लेवल्स पे यहाँ पे कॉल्स को अनवाइंडिंग होता हुआ देख पा रहे हैं। और ऊपर के लेवल्स पे जैसे कि 14,450 14,500 के स्ट्राइक पे यहाँ पे इसे ऐड भी होता हुआ देखा जा सकता है। और यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 14,500 का, क्योंकि इस लेवल पे अराउंड 29,450 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप हमें यहाँ पे दिखाई देता है। और इसके टूटने पे अगले जो रेजिस्टेंस है वो आपके लिए है 14,600 का लेवल, क्योंकि इस लेवल पे भी हमें अराउंड 6.27 लाख कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे ऐड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये लेवल भी अगले कुछ दिनों में आपके लिए एक रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे काम कर सकते हैं। और इसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी की ओर देखते हैं जो कि करंटली 32,000 के काफी ऊपर चल रहा है, तो इसमें हमारे लिए 32,000 का लेवल यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट की तरह यहाँ पे काम कर सकता है, क्योंकि हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसमें इस लेवल पे अराउंड 2.63 लाख पुट कॉन्ट्रैक्ट्स को यहाँ पे ऐड होता हुआ देख सकते हैं। और इस लेवल पे अराउंड 8.06 लाख ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो मंडे को यह लेवल आपके लिए एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह यहाँ पे काम कर सकता है। और इसके टूटने पे अगला जो सपोर्ट है वो आपको 31,500 के ऊपर यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि हम इस लेवल पे अराउंड 7.74 लाख ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अगर कॉल साइड पे देखा जाए तो 32,000 का टूटना यहाँ पे हमारे लिए काफी चैलेंजिंग है, क्योंकि इस लेवल पे हमें इन द मनी कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स में अराउंड 2.02 लाख का कॉल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी मंडे को यहाँ पे सस्टेन करता है तो आपको अगला रेजिस्टेंस यहाँ पे
32,200 के ऊपर यहाँ पे दिखाई दे सकता है। और इसके टूटने पे अगला जो नेक्स्ट सब रेजिस्टेंस है वो आपको 32,500 के लेवल्स पे यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि हम इस लेवल पे भी एक सिग्निफिकेंट कॉल राइटिंग को यहाँ पे अभी के लिए देख सकते हैं। और इस लेवल पे अराउंड 8.57 लाख का जो ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसे यहाँ पे क्लियरली देखा जा सकता है। तो हमारे लिए यहाँ पे अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 32,500 का लेवल है। और अगर नेक्स्ट वीक यहाँ पे बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रीज करता है तो आपको अगला रेजिस्टेंस यहाँ पे सेट करना है वो है 33,000 का लेवल, क्योंकि इतने ऊपर के लेवल्स पे भी हम अभी भी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग को क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि इससे हमारे चैनल का जो वीडियो है वो बाकी लोगों के पास पहुंचता है और उन्हें भी इस वीडियो से काफ़ी यहाँ पे मदद मिलने वाली है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें विथ बेल आइकन, तो जब कभी हम अपने वीडियोज़ को अपलोड करें उसके बारे में आपको सबसे पहले यहाँ पे जानकारी मिल सके। तो तब तक के लिए मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।